हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि कैसे हम एमएस वर्ड में एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम जाएंगे यहां से इंसर्ट में। यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा है टेबल का, तो सिंपली हम इसे करेंगे यहां से ओपन। आप दोस्तों चाहें तो यहां से भी टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, पर हम दोस्तों यूज करेंगे इंसर्ट टेबल का, तो यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन दिखेगा नंबर्स ऑफ कॉलम। कॉलम दोस्तों वो होते हैं जो दोस्तों हमारे स्ट्रेटली होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर्स ऑफ कॉलम दे देंगे हम 7 और नंबर्स ऑफ रो दे देंगे हम 6। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे फिक्स्ड कॉलम विड्थ को और यहां से कर देंगे ओके। तो अब देख रहे हैं कि हमने कॉलम सिलेक्ट किए थे 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये होगा दोस्तों हमारे 7 कॉलम। और हमारे रो कितने थे? 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बारी हमारे इस पे कुछ लिखने की। तो दोस्तों हम इस टेबल में स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फिल करेंगे, तो सिंपली हम करेंगे इस दो रो को सिलेक्ट और यहां पे करेंगे राइट क्लिक और यहां से जाएंगे मर्ज। ओके फ्रेंड्स, और फिर से करेंगे इस लास्ट वाले रो को फिर से सिलेक्ट, फिर से राइट क्लिक और यहां से कर देंगे मर्ज सेल। और यहां पे लिखेंगे हम नेम, स्टूडेंट नेम, और फिर से करेंगे अपने इस रो को सिलेक्ट और यहां से राइट क्लिक, फिर से कर देंगे इसे मर्ज सेल। और यहां पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट नेम और यहां से जाएंगे होम में और यहां से इसे कर देंगे सेंटर। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट नेम हमारा सेंटर में आ चुका है। और यहां पे लिखेंगे हम टोटल, इसे भी कर देंगे यहां से सेंटर में और यहां लिखेंगे अपने सब्जेक्ट के नेम, तो मैं लिखता हूं इंग्लिश, टैब प्रेस हिंदी, फिर से टैब प्रेस मैथ्स, फिर से टैब प्रेस साइंस, टैब प्रेस और यहां पे एसएसटी। अब यहां पे लिखेंगे अपने स्टूडेंट का नेम, तो पहला नेम लेते हैं विक्की और यहां पे उसके मार्क्स एंटर कर लेते हैं 100 में से। और यहां पे दोस्तों टोटल करेंगे हम सबसे एंड में। और नेक्स्ट रिकॉर्ड लेते हैं अपना रोहित और यहां पे भी इसके मार्क्स कर लेते हैं एंटर्ड। ओके फ्रेंड्स, और यहां से कर लेंगे अपने स्टूडेंट नेम को बोल्ड, तो सिंपली कर लेंगे इसे यहां से सिलेक्ट और यहां से बोल्ड। अब दोस्तों सपोज करिए कि अगर हमें कोई सब्जेक्ट नेम में कोई एक और सब्जेक्ट को ऐड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सिंपली हम करेंगे उस कॉलम को सिलेक्ट जिस कॉलम के बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट नेम ऐड करना हो, और सिंपली यहां पे करेंगे राइट क्लिक और यहां से करेंगे इंसर्ट। आपको दोस्तों किस साइड एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, लेफ्ट में, राइट में? ओके फ्रेंड, तो हमें करना है अपने लेफ्ट में। तो अब देख रहे हैं कि यहां पे दोस्तों हमारे लेफ्ट में एक कॉलम आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहां पे अपना कोई भी एक सब्जेक्ट को एंटर करा सकते हैं। तो मैं यहां पे एंटर कर देता हूं उर्दू और यहां पे भी इसके मार्क्स को कर लेते हैं एंटर। ओके फ्रेंड्स, अब बारी दोस्तों यहां पे हमें टोटल करने की, तो सिंपली करेंगे इस पे क्लिक और यहां से जाएंगे लेआउट में। लेआउट में आपको ऑप्शन दिखेगा फॉर्मूला का, तो इस पे करेंगे क्लिक। तो यहां पे लिखा है इक्वल टू सम अबव, तो हमें सम अबव मतलब ऊपर की साइड हमें सम नहीं करना है, हमारी जो वैल्यू लेफ्ट में है उन्हें हमें सम करना है। तो यहां लिख देंगे लेफ्ट और यहां से कर देंगे ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे हमारा सम आ चुका है। एक कोबरा कर लेते हैं, यहां पे करेंगे फिर से क्लिक, यहां से जाएंगे फॉर्मूला में, फिर से यहां से करेंगे अबव को डिलीट और यहां लिख देंगे लेफ्ट और यहां से क्लिक ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे भी हमारा सम आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आपको कोई रो ऐड करनी हो, तो सिंपली आप किसी रो पे जाइएगा, तो आपको दिखेगा यहां पे प्लस का साइन। तो सिंपली आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एक रो यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था।
अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे।